हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम अकाउंट डिलीट कैसे करें हमेशा के लिए। हाँ गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं पेटीएम अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं हमेशा के लिए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक के ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पेटीएम अप्लीकेशन ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपना पेटीएम अप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। गाइस, जो मैं ट्रिक बताऊँगा आपको पूरा मैं लाइव प्रूफ आपको मैं अपना खुद अकाउंट डिलीट करके दिखाऊंगा। तो गाइस, यहां मैं अपना पेटीएम अकाउंट अपना ओपन कर लिया हूं। आपको यहां पेटीएम अकाउंट डिलीट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, चाहे तो आप यहां प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद यहां पे एक ऑप्शन नजर आएगा 24/7 हेल्प सपोर्ट, यहां पे मैं आपको मार्क लगा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए हम एक दो सेकंड यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नज़र आता है व्यू ऑल सर्विस, आपको इस पर एक बार दबा देना है, क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन नज़र आएगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा प्रोफाइल सेटिंग का, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन है प्रोफाइल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे चैट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोफाइल सेटिंग और नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चैट यू व्हाट यू यस। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको पेटीएम की तरफ से यहाँ पे चैट ओपन हो जाएगा। चलिए हम एक दो सेकंड यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पेज है लोडिंग हो चुका है। अब आपको सामने यहाँ बहुत सारा ऑप्शन नज़र आता है। अब आपको अपना पेटीएम अकाउंट डिलीट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिर से पेटीएम की तरफ से यहाँ पे चैट आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इतना करने के बाद अब आपको सामने यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नजर आता है क्लोज अकाउंट, यहाँ पे मैं आपको मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है ब्लू कलर में, देखते हैं क्लोज अकाउंट, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अगर आप क्रोम ब्राउजर से ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपना पेटीएम अकाउंट अपना ओपन करना चाहता हूँ, पेटीएम एप्लीकेशन, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं उसको क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करने को मांगेगा आपके आप किस वजह से अपना पेटीएम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे कोई रीजन डाल देना है। अगर कोई रीजन आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको टिक लगा देना है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, आपको इसको टिक लगा देना है। चलिए हम इसको टिक लगा देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज माई अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे वेटिंग दे रहा है। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुल क्लोज्ड, जो हमारा अकाउंट है हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। देखते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ चुका है। उसके बाद आता है यहाँ पे गो टू होम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका अकाउंट है हमेशा के लिए दोस्तों डिलीट हो जाएगा। आपको एक दो सेकंड वेट करना पड़ेगा और अपना अकाउंट फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आपका अकाउंट 100% डिलीट हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।